तो देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के अंदर है, डी फार्मेसी के अंदर। तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम जो है तो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पर रिवाइज करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है और उस तरीके से वहाँ पर आपको स्टडी करना है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख लोगे, सॉल्व करोगे, तो उतने अच्छे वहाँ पर आपको मार्क्स मिलने वाले। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, डी फार्मेसी का जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन वहां पर आ जाते हैं। आप वहां पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्वेश्चन वहां पर समझ में नहीं आता। तो देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन पेपर है, सिंपल क्वेश्चन यहां पर होते हैं एग्जाम के अंदर, सिर्फ आपको यहां पर दिमाग में मतलब उसका रिवाइज यहाँ पर आपको पहले ही करना होता है। तो ऑलरेडी हमने फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, कुछ डिप्लोमा के वहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वहाँ पर देख सकते हो। आप क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन से यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, टोटल 10 मार्क्स के लिए होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, गिव द कैटेगरी ऑफ थायोपेंटाइल सोडियम एंड क्लोराफिनारामाइन। बी क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स। तो ये जो रिंग्स है तो इसका स्ट्रक्चर देना है आपको, इंडोल और सेकंड है इमिडाजोल। आप देख लीजिए सी, राइट द फॉर्मुलेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक ग्रुप। उसके अंदर फर्स्ट है एसिटाइल और सेकंड है इथाइल। आप देख लीजिए डी क्वेश्चन, जो कि आपको गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके नाम आपको लिखना है, IUPAC नेम यहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पर दिया है, सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया है। आप देख लीजिए ई क्वेश्चन, देख लीजिए एक्सप्लेन करना है आपको कूल प्लेस क्या होता है और कोल्ड प्लेस क्या होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मुलेशन इन द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजुअली गिवन। तो इसका फॉर्मुलेशन आपको लिखना है, क्लोरोक्विनोन और फ्यूरोसेमाइड का। नेक्स्ट देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, गिव द स्ट्रक्चरल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैटेगरी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ यहाँ पर आपको ड्रग दिया है, उस ड्रग का आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना है, उसकी कैटेगरी लिखना है, स्टोरेज कंडीशन भी यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी यहाँ पर आपको 4 लिखना है। तो जो क्वेश्चन सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, वो 14 मार्क्स का है। ए डॉप्सन, यहाँ पर आप बी देख सकते हो फिनोबार्बिटॉन, सी कैफेन, डी प्रोपेनोलॉल, ई लिग्नोकेन और एफ हमारे पास है एस्पायरिन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मलेरियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप IMP वेरी IMP कर सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है फ्रेंड्स। तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, केमिकल स्ट्रक्चर उसके यहाँ पर आपको लिखना है, यूजेस कोई भी 2 ड्रग्स वहाँ पे उठा के लेने हैं और उसके यूजेस यहाँ पर आपको लिखना है एंटी मलेरियल के। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। तो आपको कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स यहाँ पर आपको उसका क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन लिखना है और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको लिखना है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको निकलना है, नामनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज एंड ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ 2 ड्रग्स। तो कोई भी 2 ड्रग्स का यहाँ पर आपको प्रिपरेशन भी लिखना है। आप देख लीजिए यहाँ पर, आप देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन एनी 2। तो कोई भी 2 क्वेश्चन के ऊपर आपको नोट्स लिखना है। फर्स्ट है एंटीकोएगुलेंट, बी डायग्नोस्टिक एजेंट, सी है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। आप देख लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सप्लेन डायबिटीज। तो डायबिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस ब्रीफली इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। तो इंसुलिन एंड उसका प्रिपरेशन यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। डायबिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है। बी देख लीजिए, राइट अ ब्रीफ केमिकल अकाउंट ऑन वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होते हैं तो उसके केमिकल अकाउंट यानी कि उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है फ्रेंड्स। आप 7 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, आप क्या क्या लिखना है यहाँ पर, हमारे पास कुछ ड्रग्स दिए तो इन ड्रग्स का आपको क्या क्या लिखना है, स्टोरेज लिखना है, स्टोरेज कैसे होता है, नॉमेनक्लेचर लिखना है, ऑफिशियल उसका प्रिपरेशन यहाँ पर आपको लिखना है, कोई भी 7 यहाँ पर आपको लिखना है। हर एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए वहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो ऐसे करके टोटल 14 मार्क्स का है। अब 8 मार्क्स देख लीजिए, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन, राइट नोट ऑन एनी 2। तो कोई भी 2 क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आपको नोट्स लिखने हैं। एक है एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग, सेकेंड है डिसइन्फेक्टेंट, नेक्स्ट है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और लास्ट में आता है एडरेनर्जिक ड्रग्स। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि
डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के अंदर है। आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, किस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो भी बता देना, हम डेफिनेटली यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको लगता है कि यार एक क्वेश्चन बताता है सिर्फ आंसर नहीं देता, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अगर हम आंसर दे देंगे तो यहाँ पर बहुत ही लंबा वीडियो बन सकता है। अगर आपको कुछ आंसर चाहिए हमें कमेंट सेशन में बता देना, उस तरह से हम यहाँ पर प्लानिंग करके उसका आंसर जो है आपको बता देंगे, वैसा वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। आयो फ्रेंड आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपके फ्रेंड के साथ यहाँ पर शेयर करना। तो ये था 2019 का क्वेश्चन पेपर, तो आगे हम 2020, 2021, 2022 का भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच।